सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे, वो भी लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो यदि आप लोग भी इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को फुल वॉच करें, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों एडिटिंग स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। सो व्हाट्सअप गाइस, सिंपली आप लोगों को अपना लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है और इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेना है। हमने अपनी फ़ोटो ऑलरेडी ऐड कर रखी है दोस्तों, तो हम आप लोगों को ये वाली फ़ोटो आज एडिट करना बताएंगे। तो चलिए दोस्तों एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को लाइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ये लाइट का ऑप्शन रहा, इस पर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को बढ़ा करके कर लेना है 31, हाइलाइट्स की वैल्यू को कर लेंगे 22, और शैडोज की वैल्यू को हल्का सा बढ़ा करके कर लेंगे 35, और वाइट्स की वैल्यू को कर लेंगे 26, और ब्लैक्स की वैल्यू को हल्का माइनस करेंगे, इसको कर लेंगे -28, और फिर दोस्तों इसको कर देंगे डन। फिर आप लोगों को कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको कलर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको वाइब्रेंस की वैल्यू को कर लेना है 13, और टेम्परेचर की वैल्यू को हल्का सा माइनस करेंगे, इसको कर लेंगे -10, और फिर आप लोगों को ऊपर मिक्स टूल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको मिक्स टूल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही आपको ऑरेंज टोन को क्लिक करना है, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे -30, और लुमिनेंस की वैल्यू को कर देंगे 25। फिर दोस्तों आपको येलो टोन को सेलेक्ट करना है, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे +100, और ह्यू की वैल्यू को कर देंगे -100। फिर ग्रीन टोन को सेलेक्ट करेंगे, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे +100, और ह्यू की वैल्यू को कर देंगे -100। फिर दोस्तों आप लोगों को स्काई ब्लू टोन को सेलेक्ट करना है, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को करेंगे 63, और लुमिनेंस की वैल्यू को कर देंगे -50, और ह्यू की वैल्यू को कर देंगे -57। फिर डार्क ब्लू टोन को सेलेक्ट करेंगे, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे 73, और लुमिनेंस की वैल्यू को कर देंगे -44, और ह्यू की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों -62। फिर आप लोगों को सिंपली डन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसको डन कर देना है। फिर आप लोगों को इफ़ेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ये इफ़ेक्ट का ऑप्शन रहा, इस पर क्लिक करते ही आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको क्लियरिटी की वैल्यू को कर देना है 31, और डीएच की वैल्यू को कर देंगे हल्का सा माइनस, इसको कर देंगे -11, और फिकनेट की वैल्यू को भी हल्का सा माइनस करेंगे, इसको कर लेंगे -41, और मिड पॉइंट की वैल्यू को भी हल्का सा माइनस करेंगे, इसको कर लेंगे 39, और फीदर की वैल्यू को दोस्तों बढ़ा करके कर देंगे 67, और फिर दोस्तों इसको कर देंगे डन। फिर आप लोगों को सिंपली डिटेल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही आपको नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को कर लेना है 43, और कलर नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को कर लेना है 27, ताकि हमारा बैकग्राउंड और फेस दोनों स्मूथ हो सके। तो इसको भी दोस्तों कर लेंगे डन। और फिर आप लोगों को सिंपली प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ये प्रोफाइल का ऑप्शन रहा, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे इफेक्ट एंड फिल्टर देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को सिंपली अप्लाई करना है आर्टिस्टिक 03। तो दोस्तों ये आर्टिस्टिक 03 रहा, इसको अपनी पिक पे अप्लाई कर देंगे। फिर आप लोगों को इसको डन कर देना है। ये दोस्तों हमने डन कर दिया। तो ये देखिए हमारी बिफ़ोर फ़ोटो कैसी थी और एडिट होके आफ्टर कैसी हो गई है। तो दोस्तों ये हमारी पिक एकदम परफेक्ट रूप से एडिट होकर तैयार हो चुकी है। तो इसको अपनी गैलरी के अंदर शेयर सेव करने के लिए ऊपर शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको सेव टू डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही आपकी फ़ोटो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।